बिहार राज्य रसोईया संघ के द्वारा 18 सूत्री मांगों को लेकर शहीद चौक को किया जाम। शहीद चौक पर जमकर किया बवाल, सड़क को जाम कर किया हंगामा। रसोईया संघ के द्वारा 18 सूत्री मांगों को लेकर कटिहार के शहीद चौक पर सैकड़ों की संख्या में विद्यालय रसोईया ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कई घंटे यातायात बाधित रही। बिहार राज्य रसोईया संघ के उप महासचिव मोहम्मद मूसा ने बताया कि मध्यान्ह भोजन कर्मियों को चतुर्वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दो, मासिक वेतन न्यूनतम 10,000 प्रतिमाह देने का आदेश करो, 180 दिन के वेतन के साथ मातृत्व अवकाश सुनिश्चित करो, मध्यान्ह भोजन कर्मियों को नियुक्त पत्र और पहचान पत्र निर्गत कराने सहित अन्य मांगे शामिल है। इस मौके पर यातायात बाधित रही, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद समझाने बुझाने के बाद जाम को हटाया गया। आइए ना, यहीं रहेंगे लोग जाम करेंगे। जी, सड़क जाम किए हैं, क्या पाएंगे? आज जो है हम लोग पूरे बिहार में ये राज्य स्तरीय आंदोलन है, पूरे बिहार में आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं इस 18 सूत्री मांगों को लेके। मेरा मुख्य मांग ये है जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, इसको जो है रसोईया को जो है 12 महीना काम करवाया जाता है, इसको 10 महीना का पेमेंट देता, 12 महीना का 12 महीना पेमेंट दे। और रसोईया के साथ स्कूल में बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, जो इसका काम नहीं है वो भी काम लिया जाता है, और नहीं करे तो उसको हटाने की धमकी दिया जाता है साधन सेवी के माध्यम से भी। और जो शिक्षक हैं ये लोग जो कि बच्चा को खाना खिलाने के बाद रसोईया का कोई काम नहीं रहता है, खाना खिलाने के बाद बच्चा को खाना खिलाने के बाद रसोईया का बर्तन उर्तन धो के अपना किचन रूम को साफ कर दिए, उसके बाद और कोई काम नहीं रहता है। लेकिन आज शिक्षा विभाग की तरफ से इसको 5 बजे शाम तक बैठा के रखता है, ये सरासर अन्याय है। सरकार जो है इसको मात्र 40-41 रुपया दिन पड़ता है, सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक इसको बैठा के रखता है, ये कहाँ का मुनासिब है? जाम करने से मांगे पूरी हो जाएगी? जी हो गई। इसमें है देखिए, ये बहरा गुंगा सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये आज अगर हम आंदोलन में है तो हमको केस का भी धमकी दिया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कल कोढ़ा प्रखंड आदर्श मध्य विद्यालय रामपुर स्कूल से फोन करता है, जो आपके ऊपर हम केस करेंगे और आपको हम फंसवा देंगे। हम बोले जो चोरी करते हैं आप, हमको क्या फंसाइएगा? आज एक स्कूल में, हर स्कूल में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का कमीशन बना हुआ है, जो कि हम लिखे हैं मेरा चिट्ठी में, देखिए जो मीनू के अनुसार स्कूल का रसोईया को सामग्री मिले, जो बच्चा को सही भोजन मिले, लेकिन आज नहीं मिल रहा है। जहाँ 600 बच्चा है वहाँ साला 1 किलो डाल देता है, क्या चोरी नहीं करता है? 600 बच्चा में 1 किलो डाल, 1.5 किलो डाल, 600 बच्चा में कितना डाल होना चाहिए? और जो मार्केट का सड़ा हुआ सब्जी उठा के लाता है, क्या ये बच्चा का कुपोषण दूर करने के लिए मिड डे मील चलाया गया? ये बच्चा का कुपोषण दूर हो रहा कि कुपोषण बढ़ा रहा? आज किसी भी स्कूल में जाइए, बच्चा को अनाज जो देता दिया जाता, खाना जो परोसा जाता है, आधा खाता आधा फेंक देता है। भाई किसकी लापरवाही मानते? ये जिला पदाधिकारी का लापरवाही है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मिला हुआ है और हर साधन से भी मिला हुआ है, सबको कमीशन बना हुआ है। हम चाहते हैं इसमें जल्द से जल्द रोक लगे,
देखिए उसमें आपका भी बच्चा पढ़ता होगा, आपका भी बच्चा खाता होगा। चाहते हैं उच्च स्तरीय, हम चाहते हैं जो के पाठक जी आज कटिहार में आ रहे हैं सामने, के पाठक खुद जाके जांच करे। लेकिन जांच क्या करेगा, आज जाएगा दो दिन पहले फोन करता है स्कूल पर, फोन कर मैसेज कर देता है जो फलना तारीख तुम रही है उच्च स्तर के जांच आ रहा है। वो उस दिन हरा सब्जी टमाटर धनिया मिर्चन दाल सारा चीज दे देता है। एक दिन गुप्त में जाए जांच में तब तो पकड़ाएगा चोर। जी मेरा नाम मोहम्मद मूसा, बिहार राज्य विद्यालय रोसिया संघ का राज का उप महासचिव।